यूपी के अयोध्या में पौष पूर्णिमा यानी आज के दिन श्रद्धालुओं के आस्था का सैलाब देखने को मिला है। प्रभु श्री राम की नगरी में राम मंदिर के दर्शन के लिए भारी भीड़ के मद्देनजर भव्य मंदिर में दर्शन की टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले बाल रूप राम भगवान के लिए महाराष्ट्र से बुधवार को 80 किलो की एक खास तलवार भेजी गई। ठिठुरती ठंड में भी 5 वर्षीय बालक राम लगातार 18 घंटे तक बिना विश्राम किए भक्तों को दर्शन देते रहे। अपने भव्य मंदिर में विराजने के तीसरे दिन सबके आराध्य तड़के 4 बजे निद्रा से जागे तो फिर रात 10 बजे के बाद ही शयन के लिए प्रस्थान किया। आरती और भोग के दौरान भी नृत्य रंग और गूढ़ मंडप में मौजूद दर्शनार्थियों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। रामलला सुबह 6:30 बजे की थोड़ी ही देर बाद से भक्तों को दर्शन देने लगे। जय श्री राम के उद्घोष के साथ ये दर्शन शुरू हुआ और दोपहर 12 बजे तक कतारबद्ध हरेक श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होती रही। दोपहर 12 बजे राजभोग और आरती के लिए सिर्फ 20 मिनट के लिए भक्तों को इंतजार करना पड़ा और फिर से दर्शन शुरू हुआ। जितने भी श्रद्धालु थे मंडप में ही मौजूद रहे, किसी को दरबार में आने से रोका नहीं गया। भोग आरती की प्रक्रिया पूरी होते ही फिर से दर्शन आरम्भ हो गया जो कि शाम 6 बजे तक बिना थमे जारी रहा। सूर्यास्त के बाद एक बार फिर से संध्या आरती के दौरान भोग लगा और इसके बाद दर्शन को रात 10 बजे ही विराम लगा। आरती और भोग के बाद सुबह से जगे और थके बालक राम ने शयन के लिए प्रस्थान किया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के तीसरे दिन नव्य मंदिर में जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया तो भक्तों को सुगम दर्शन के साथ ही प्रसाद पाने का भी सौभाग्य हासिल हुआ। दर्शन के बाद प्रभु का प्रसाद पाकर श्रद्धालु धन्य हुए। कई ने तो इसे चखा नहीं बल्कि संजो कर अपने साथ ले गए। फिलहाल नए मंदिर में भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से पुराने मंदिर की तरह प्रसाद में इलायची दाना ही दिया जा रहा है। अयोध्या प्रशासन के एक अधिकारी ने तो ये बताया कि साल 2019 से ही सरयू नदी में रिवर पुलिस की तैनाती कर दी गई थी और यहाँ स्नान करने आने वाले लोगों की सुरक्षा और सुविधाओं का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भारी संख्या में भक्तों को देखते हुए इस बार खास तैयारी रिवर पुलिस ने की है। पुण्य स्नान के लिए आने वाले भक्तों की सुरक्षा के मद्देनजर घाट से लेकर नदी के अंदर तक 10 फीट के दायरे में एक सुरक्षा घेरा बनाया गया है ताकि अंदर रहकर लोग स्नान कर सकें और कोई दुर्घटना ना हो। इधर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान रामलला के लिए राम भक्तों की ओर से उपहार पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। महाराष्ट्र के एक भक्त ने रामलला के लिए विशेष तलवार भेंट की है। 7 फीट लंबी और 3 इंच चौड़ी ये तलवार रामलला को सौंपी गई है। इस विशाल काय तलवार का वजन 80 किलो बताया जा रहा है। वहीं राम मंदिर दर्शन का समय अब कुल 3.5 घंटे बढ़ गया है और नए नियम के मुताबिक अब दर्शन सुबह 6 बजे से ही शुरू हो जाएंगे। 12 बजे दोपहर तक चलेंगे और फिर 2 बजे के बाद से रात 9 बजे तक भी दर्शन हो सकेगा। 23 और 24 जनवरी को सुबह 7 से 11:30 बजे तक और फिर 2 बजे से शाम 7 बजे तक ही दर्शन की अनुमति थी। प्रशासन के मुताबिक ये तब्दीली स्थायी नहीं है, बाद में बदली जा सकती है। अभी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दर्शन के समय में 3.5 घंटे की बढ़ोतरी की गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।